नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन टेक्निकल डिग्रीज के बारे में। ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड से बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन जहां पे टेक्निकल कोर्सेज का बात आता है तो यूजीसी ने काफी लंबा लिस्ट देके रखा हुआ जिसके अंदर जो है उन कोर्सेज को बैन किया हुआ जो कि डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से ऑफर नहीं किए जा सकते। लेकिन ऐसे में डाउट आता है कि जो टेक्निकल कोर्सेज आप करना चाहते हो, चाहे प्रमोशन के लिए, चाहे अपस्किलिंग के लिए, किसी और चीज के लिए, तो उनको जो किस तरीके से किया जाए, और जो टेक्निकल कोर्सेज जो है ऑनलाइन मोड से ऑफर किए जा रहे हैं लाइक बीसीए या एमसीए, क्या वो वैलिड होंगे। तो ऐसे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर आप जो है ऑनलाइन मोड से टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या वो वैलिड होते हैं, और जो कोर्सेज ऑफर नहीं किए जा सकते तो उनका अल्टरनेटिव क्या है। दोस्तों जहां मैं बात करें ऑनलाइन डिस्टेंस मोड का, तो ये ऐसा मोड है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपनी जॉब के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखने का, आप खुद को अपस्किल करने का। लेकिन टेक्निकल कोर्सेज में ये मोड भी आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज जो है बिल्कुल बैन किए हुए हैं AICTE या UGC ने। तो ऐसे में उन कोर्सेज को किस तरीके से किया जा सकता है, तो बेसिकली आपको टेक्निकल कोर्सेज क्यों बैन है इसको सिंपली समझते हैं कि एक तो इन कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिकल रहता है, तो वो प्रैक्टिकल ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में ऑफर करना बहुत मुश्किल है। सेकंड चीज, ये कोर्सेज काउंसिल से अप्रूव्ड होते हैं, लाइक आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपके नर्सिंग कोर्सेज रहते हैं, आपके मेडिकल कोर्सेज रहते हैं, अपने टेक्निकल कोर्सेज रहते हैं इंजीनियरिंग के, तो वो जो है अप्रूव होते हैं किसी पर्टिकुलर काउंसिल से। तो ऐसे में हर कोर्स को ऑफर करना और क्वालिटी मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन कोर्सेज को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से ऑफर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं बीसीए और एमसी का, तो ये टेक्निकल कोर्सेज तो हैं, लेकिन इनके जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं इनको आप जो है ऑनलाइन मोड से कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे फिजिकल नहीं रहता, ये कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं, क्योंकि अपने प्रोग्रामिंग के ऊपर ही काम करना था, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना होता है, जो कि आपके ऑनलाइन तरीके से करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बीटेक या एमटेक जैसे कोर्सेज, तो वहां पे फिजिकल आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि लैब्स के अंदर ही करवाए जा सकते हैं। हर किसी के पास जो है वो लैब्स अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इसलिए इन ऐसे कोर्सेज को जो है बैन किया हुआ है ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट हो कि ठीक है आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है और उसके बाद आपको बीटेक करना है, या बीटेक के बाद आपको एमटेक करना है प्रमोशन के लिए, अपस्किलिंग के लिए, तो उस केस में आप लोग कैसे जो है इन चीजों को कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको जो है कुछ प्रोग्राम जो है आज की डेट में ऑफर किए जा रहे हैं जिनको जो है वर्क इंटीग्रेटेड हाइब्रिड या फिर इवनिंग या वीकेंड क्लासेस के थ्रू जो है ऑफर किया जा रहा है। तो क्या ऐसे प्रोग्राम जो है वैलिड होते हैं, और क्या उनसे करना सही है टेक्निकल डिग्रीज को या नहीं। सो दोस्तों, ये वर्क इंटीग्रेटर प्रोग्राम जो है बेसिकली ये फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स हैं। अब 2020 के अंदर AICTE ने एक नोटिफिकेशन दिया था, उसके अंदर ये कहा था कि आप कोर्सेज को जो है वो फ्लेक्सिबल तरीके से ऑफर कर सकते हैं। अब ये चीज जो है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है जो लोग जॉब के ऊपर हैं और अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं लेकिन टेक्निकल कोर्सेज को नहीं कर सकते, अब उस केस में वो क्या करें। तो इसलिए उन्होंने फ्लेक्सिबल टाइमिंग का एक ऑप्शन दे दिया कि जैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट चलता है, 9 to 5 वाला शिफ्ट चलता है, तो आप जो है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीकेंड, इस टाइप की शिफ्ट के अंदर जो है बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो उस केस में क्या है कि यूनिवर्सिटी के पास एक ऑप्शन हो गया कि ठीक है वो फ्लेक्सिबल तरीके से फ्लेक्सिबल टाइमिंग के ऊपर जो है स्टडीज को करवा सकते हैं। तो जो वर्क इंटीग्रेटर प्रोग्राम है वो इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे आपका जो है टाइमिंग है वो चेंज होता है, मतलब वो शिफ्ट में अंदर चेंज हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू भी दे रहे हैं, जिसको वो जो है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बोल रहे हैं। अब ऐसे प्रोग्राम को वो कैसे ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा वो हम आपको ऑनलाइन तरीके से जो कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो आप जो है वीकेंड्स के ऊपर आकर के, जब हम आपको यूनिवर्सिटी बुलाएंगे उस टाइम पे आकर के आप वो कंप्लीट करो। साथ में जो काम अभी कर रहे हो आप किसी कंपनी के अंदर, वहां भी आपका जो काम है वो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो इस मेथोडोलॉजी के साथ जो है ये वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसे प्रोग्राम जो है जॉब के लिए वैलिड होते हैं, क्या इनसे जो है मुझे प्रमोशन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो, इन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रेगुलर प्रोग्राम के मुकाबले अलग है। अब रेगुलर प्रोग्राम में 12th के बाद आप डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इन प्रोग्राम के अंदर आपके पास जो है लाइक आप बीटेक में जाना चाहते हैं तो 12th वाला बच्चा नहीं ले सकता, आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, प्लस आपके पास एक एक्स नंबर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होगा, उसके बाद 2 या 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है इन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते हो। साथ में आपकी अंडरटेकिंग्स भी लगती हैं, आपकी या आपके एम्प्लॉयर की अंडरटेकिंग भी लगती हैं कि हाँ आप जो है वर्किंग है इस पर्टिकुलर
कंपनी के अंदर इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, तो उसके बाद ही आपका जो है वो एडमिशन कंफर्म करती हैं यूनिवर्सिटीज। तो ऐसे में ये प्रोग्राम जो है आपकी जॉब के ऊपर वैलिड हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इन प्रोग्राम को अगर हमें ऑनलाइन तरीके से यह जॉब के ऊपर कर रहे हैं, तो हमारी डिग्री के ऊपर पार्ट टाइम लिखा हुआ आएगा, ऑनलाइन लिखा आएगा या डिस्टेंस लिखा आएगा। तो ऐसे में इन प्रोग्राम्स के अंदर जो है आपका रेगुलर ही लिखा आता है कि आपने रेगुलर ही कंप्लीट किया हुआ, ऐसे में आपकी डिग्री को जो है और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाता है। इसी के साथ अगर बात करें हम के कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनसे हम इन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं, तो इंडिया में सेवरल ऑफ यूनिवर्सिटी हैं जो कि इन प्रोग्राम्स को ऑफर कर रही हैं, लेकिन आपको सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप जो है अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी जो है चूज कर सकते हैं। पहली चीज आपको यूजीसी के रिकॉग्निशन का ध्यान रखना है कि यूजीसी से यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हो, AICTE से अप्रूवल हो, मच बेटर है। अगर नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं रहती है इनके अंदर, लेकिन हो तो मच बेटर है। थर्ड, आप जो है उनकी मेथोलॉजी चेक कर सकते हैं, उनका ये चेक कर सकते हैं कि वो पढ़ाएंगे कैसे, प्रैक्टिकल्स कैसे करवाएंगे आपको, उनके फैकल्टीज कैसे रहेंगे, वो कैसे आपको टीचिंग लेंगे, ऑफलाइन वीकेंड क्लासेस या इवनिंग क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, अगर आप वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, आपका फैकल्टी किस टाइप का रहेगा, क्या रेगुलर का जो फैकल्टी है वही रहेगा या कोई और रहेगा, इसके एग्जामिनेशन किस तरीके से हो रहे हैं। तो एग्जामिनेशन बता दूं करंट में जो है रेगुलर ऑफलाइन के थ्रू भी हो रहे हैं या फिर प्रॉक्टर्ड बेस्ड भी हो रहे हैं जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्निकल कोर्सेज किस तरीके से ऑफर कर रहा है। इसी के साथ आप जो है NIRF का रैंकिंग उनका चेक कर सकते हो, अगर इंजीनियरिंग के जा रहे हो तो इंजीनियरिंग का NIRF रैंकिंग आप उनका चेक कर सकते हो, आप जो NAC का एक्रेडिटेशन चेक कर सकते हो, ए ग्रेड है, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, और कौन कौन सी उनके पास एक्रेडिटेशन है जो कि आपकी डिग्री को वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद जो है अपनी यूनिवर्सिटी आप जो है चूज कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने जो है किसी का हेल्प चाहिए अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए, तो आप जो है कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं या फिर आप जो है कॉलेज विद्या का हेल्प भी ले सकते हैं। कॉलेज विद्या एक AI पावर्ड जो है प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स का उनके लिए राइट ऑनलाइन या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी चूज करने में। अगर आप इसके अंदर जो है वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी सर्च कर रहे हैं लाइक BTech या टेक्निकल प्रोग्राम जो है, तो उसके लिए भी आप कॉलेज विद्या का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी को कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप 2-3-4 यूनिवर्सिटी को आपस में कंपेयर कर सकते हो, उनकी पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो, अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको जो है किसी से बात करना है, किसी एक्सपर्ट से बात करना है जो आपको गाइड कर सके, तो यहाँ पे आप जो है इनके एक्सपर्ट काउंसलर से भी बात कर सकते हैं जो आपके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करने में आपका हेल्प करते हैं। तो कॉलेज विद्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो है इनकी ऐप या इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं एंड अपने लिए एक राइट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपका जो डाउट था टेक्निकल डिग्री के प्रोग्राम्स को लेकर के वैलिड होते हैं नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड होते हैं, बस इनको ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से ऑफर नहीं किया जाता, लेकिन आप वर्क इंटीग्रेटेड फ्लेक्सिबल तरीके से आप इनको कर सकते हो। आपका डिग्री जो है इसके अंदर रेगुलर का ही रहता है और आपका जो डिग्री है बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड होता है, आप इसको जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपको इजी वे से किस तरीके से करना है, तो उस तरीके से आपको जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट शायद वो डिग्री ना दे, तो एक सही तरीके से जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं आप सिर्फ उस तरीके से इन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और किसी और के लिए हेल्प कर सकता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन जय हिंद।